शाह अफगानिस्तान दुर्रे दुर्रानी अहमद शाह अब्दाली श्रीमंत सदाशिव राव भाऊ पेशवा। मुझे बताया कि आप सुलह करना चाहते हैं। मैं आपके साथ हूं क्योंकि युद्ध हमेशा सल्तनतों को उजाड़ देते हैं। इस बात को जानने के लिए बड़ी दूर से आया है। आना पड़ा दुश्मन को रोकने, हजार कोस दूर। लंबा सफर तो मैंने भी तय किया है। हाँ किया है, लेकिन लूटने के लिए हम आए हैं, रक्षा करने के लिए। तुझसे बहस करने का वक्त नहीं है। मैं जंग नहीं चाहता। अगर तू भी नहीं चाहता तो मेरी शर्त माननी होगी। कैसी शर्त? मैं अमनो अमान के साथ कंधार लौट जाऊंगा अगर तुम मराठा नर्मदा के दक्षिण में रहो और दिल्ली मेरे हवाले कर दो। नहीं, आप अटक के उत्तर में ही रहेंगे जिस दिशा से आप आए हैं, और दोबारा इस धरती पर कदम नहीं रखेंगे। मैं तुझे एक मौका और देता हूं। दिल्ली की उत्तर की सारी जमीन मेरी और दक्षिण की तेरी। आप अटक के उत्तर में ही रहेंगे और दोबारा हिंदुस्तान में कदम नहीं रखेंगे। मुझे केवल यही शर्त स्वीकार है। जहां मैं खड़ा हूं वहां से उत्तर का सब मेरा, बाकी सब तेरा। नहीं, मुनासिब बात कर बच्चे, नहीं तो मेरी मुहिम बेमानी हो जाएगी। और मेरी मुहिम बेमानी हो जाएगी अगर एक घुसपेटिया हिंदुस्तान की मिट्टी पे बना रहता है। और आप इस समय जिस धरती पर खड़े हैं ना, वो मराठा साम्राज्य ही है। तू छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए अपनी जान देने जा रहा है? मैं इस धरती के मिट्टी के एक कण के लिए भी मरने को तैयार हूं। ठीक है, तो फैसला यहीं कर लेते हैं। कीजिए फैसला। शहंशाह, श्रीमंत, ये सुलह का शामियाना है, सौदे का। लड़ने के लिए तो पानीपत का सारा मैदान तैयार पड़ा है। अब पहले हिंदुस्तान, फिर अफगानिस्तान। सही कहा, हिंदुस्तान सदा पहले ही रहेगा।